काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर दे है शासन की तरफ से, कोई बच्चा डिप्रेस हो तो मैं कर लिए काउंसलर रखे, एक दिन इच काउंसलर है। मोर बेटी मोर साथ 18 साल से मोर साथ है, जब वो अपन वो डिप्रेशन ला मोला नहीं बताई तो टोल फ्री नंबर में फोन करके बताइए। आप सोचो ना टोल फ्री, ये उका सहेली जैसे है, दोनों बहन है, इला वो नहीं बताई चे तो फोन करके टोल फ्री नंबर में बताई, बोल जैसे मरे के मौका ऐसे ऐसे लागत तो आके देखन कि भाभी की जगह मोर बेटी के साथ ऐसे हरकत हो गई, तो पता चली से कि वो सुसाइड कर ले रही से। ओकर कारण भी रही से कि जो 12वीं का रिजल्ट आए रही से मैथ्स वाला में 63% बने रही फर्स्ट डिविजन, और ओला उम्मीद से बहुत कम ये परसेंट लगी से, जेकर कारण वह ये गलत हरकत करी से अपन अच्छरी से। और घर में सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से हमार घर के परिवार के जितका भी गुड़िया मन हवे ओकर मन के लिए अलग अलग डिजाइन के सूट सिलाए, फ्रॉक सिलाए नया नया टाइप से। बच्ची तो ऐसे जे दिन रिजल्ट अपन नहीं से वो दिन बस वो थोड़ा से मायूस री से, रोवत गावत री से, फिर परिवार के मन समझाए हैं नहीं मोर बेटी वो समझे से, मैं भी समझाए हाँ। और बीच में 14 तारीख के जब आ रहे हूँ तब भी मैं और मोर साढ़ू जी बैठे वो दोनों को समझाए हैं। पेपर में आते 15 दिन पहले के इस तारीख को 10वीं और 12वीं वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा, एक प्रेशर हो गया बच्चों में। दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारे है छत्तीसगढ़ के, वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते, मंत्री जी बुलाते, बकायदा मंत्री जी हा रिजल्ट ला घोषित करवाते, जारी करवाते। एक प्रेशर मतलब कतका महत्व देवत हन, मतलब कतका बड़े यह कार्य है, का विवाह बार से भी बहुत बड़े कार्य है। वो बहुत अच्छा बहुमुखी प्रतिभा धनी रही से लड़का है, एक तो वो है स्केच आर्टिस्ट रही से, बहुत अच्छा पेंटिंग बनावा है वह, मैं आप ला दिखा हूँ ये उकर कुछ जो है नमूना आप दिख सकते हो दिखा सकते हो ये उकर बनाए कलाकारी है। मैं तो कागज में काकरो पर्सन लिख दिए तो वो ला उकर लाइफ के वो महत्वपूर्ण नहीं मानो। चौथा माँ बाप के प्रेशर, अरे मोर बच्चा 90% फोटो डाला थे उकर रिजल्ट के स्टेटस डाला थे कि देखो मोर लड़का फर्स्ट डिविजन ऐसे, वाह वाह प्रशंसा, अब सब बोल बधाई देवा थे, बधाई दे के लिए माँ बाप मन उकर पर एक जो नॉर्मल बच्चे उकर ऊपर एक प्रेशर बन गए, जिकर कारण यह थोड़ा से तनाव में रही से, रोवत गाती सबन भविष्य के लिए लेके चिंतित रही से कि आगे मोर कॉलेज अच्छा कॉलेज मिली कि नहीं मिला है, आगे में यहाँ बी एच कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। मोर यहाँ बाकी जो फैमिली वो मन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उतिक ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाए, चाहे वही बता तो मन दसों पीढ़ी में कोई ऐसे हरकत नहीं करे तो हमला मतलब आधा परसेंट भी वो तरफ हमारे ध्यान ही नहीं खींच कि हमारी बेटी ऐसे कर। हम वो बोर्ड के परीक्षा है उसका नंबर ला हम अतका वैल्यू कावर देवा था, जब उसका नंबर से एक चपरासी नहीं बन सका, अगर कोई लड़का का 12वीं में 90% है तो का ये जरूरी है कि वो चपरासी बन जाए ही सरकारी नौकरी में, ओकर से एम ए बी ए वाला मन चपरासी फॉर्म भरे तो 12वीं के का वैल्यू। तो मोर शासन प्रशासन और जितका भी जिम्मेदार है माध्यमिक शिक्षा मंडल रहे थे मन ला सबसे अनुरोध है कि आप इला वैल्यू देना बंद करो 10वीं 12वीं मार्कशीट ला, अंक ला कौन बच्चा कतका थे कौन मेरिट में आवा थे का हमला बताए जरूरत। और आप मीडिया मन के साथी से भी निवेदन करूँ कि एकर इला ना बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दो, अगर हम एकर वैल्यू नहीं देबो ना तो कोई लड़का सुसाइड नहीं कर। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के परिणाम आ गए हैं। परिणाम आने के बाद में अखबारों में सफल स्टूडेंट की कहानियां छप रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद खबरें आती हैं कि जो असफल हुए हैं या जिनका परसेंट कम आया है वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये सुसाइड की संख्या ज़्यादा आगे ना बढ़े क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 स्टूडेंट कम नंबर आने या फेल होने की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। ये संख्या आगे ना बढ़े इस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जिस घर में हूँ इस घर में एक बच्ची पास होने के बाद फर्स्ट डिवीज़न पास होने के बाद में सुसाइड कर ली है। ये गांव सकरी है, रायपुर से लगा हुआ गांव है। उस परिवार के लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता कैसे है, क्योंकि पूरी कहानी जब सुनोगे तो आपको भी दर्द भरा महसूस होगा। जब किसी घर में कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं तो घर वालों के ऊपर क्या गुजरता है वो दिखाने का भी मैं आपको प्रयास करूंगा। और यहाँ पे परिजन हैं, परिजनों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मैं लक्ष्मी नारायण बारले हूँ भैया।
लक्ष्मी नारायण भैया क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन ये सारी घटना हुई, आप लोग को कैसे पता चला कि बच्ची सुसाइड कर ली है? अब मैं तो ना शादी में छत्तीसगढ़ ही बोलो, हाँ हाँ चल ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल छत्तीसगढ़ ही तो मैं मोर ससुराल में शादी रही, वहाँ चले गए रहे हम और वहीं रुके रहे हम। तो अचानक से फोन करते घर में कि तोर भाभी की तबीयत खराब है करके। तो मैं और मोर श्रीमती जतका बच्चा आनंद फानन में 10:30 बजे रात के आए हैं। तो आके देखथन कि भाभी की जगह मोर बेटी के साथ ऐसे हरकत हो गई। तो पति चली से कि वो सुसाइड कर ले रही से। ओकर कारण भी रही से कि जो 12वीं का रिजल्ट आए रही से मैथ्स वाला मुकर 63% बने रही फर्स्ट डिविजन और ओला उम्मीद से बहुत कम ये परसेंट लगी से, जेकर कारण वह ये गलत हरकत करी से अपन। ये जो रिजल्ट आ रही से 9 तारीख के आ रही से और 9 तारीख के काफ़ी दिन बाद वो एक कदम लौटे से जी, तो ये बीच में इसे का चलत रही से, का बातचीत हुआ रही से आप मन के बीच में या बच्ची के बीच में का बातचीत हो रही से? बच्ची तो ऐसे जे दिन रिजल्ट अपन ऐसे से वो दिन बस वो थोड़ा से मायूस रही से, रोवत गावत रही से। फिर परिवार के मन समझाए हैं, नहीं मोर बेटी वो समझे से, मैं भी समझाए हूँ। और बीच में 14 तारीख के जब आए हूँ तब भी मैं और मोर साढ़ू जी बैठे, वो दोनों को समझाए हैं। तो वो नॉर्मल हो गए रही से, अपन अंग्रेजी को स्पोकन इंग्लिश वाला ट्यूशन भी ज्वाइन कर ले रही से, CUT और PET के फॉर्म वॉर्म भी एग्ज़ाम CUT दिला चुके रही से। ओकर बाद भी अचानक अगर मन में काई से धारणा हुई से कि गलत कदम उठे से, वो मुझ समझ से परे है। और एक एक ही तो कारण है कि परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, से वही कारण लगा थे। और दूसरा कुछ परसेंट तो कम आए की वजह से ये बड़े कदम जी लड़का उठा ली से। जी पढ़ाई में पहली कैसे रही लड़का? पढ़ाई में बहुत अव्वल रही से, अपन क्लास में वो या तो फर्स्ट रैंक रहा है या सेकेंड रैंक रहा है। ओकर 4 सहेली के ग्रुप रही से, तो ये है ना अपन 8वीं में फर्स्ट आए रही से, सेकेंड आए रही से। मैं ज़्यादा वो बच्चा का मार्कशीट ला मैं देखा नहीं, मैं तो कागज़ में काकरो परसेंट लिख दिए तो ओला ओकर लाइफ के वो महत्वपूर्ण नहीं माना हुआ। ओकर एक्चुअल तो कला जो है वो बाद में पता चलते कि वो कौन फील्ड में जा ही थे। तो मैं कभी देखे भी नहीं, कल पुलिस वाला मन बोलीस ना तब मैं देखे हूँ कि ओकर परसेंट का है थी, है ना। तो का बोला तुम अलग दिशा चले गए हैं वो लड़का के जो परसेंट रही से? हाँ, तो 4 जो कर ग्रुप रही से ना, तो 10वीं के जब रिजल्ट ऐसे 8वीं के रिजल्ट ऐसे, तो एकर पोजीशन या तो फर्स्ट रहा या सेकंड रहा। लेकिन अभी जो 12वीं के रिजल्ट ऐसे, तो 4 जो एकर सहेली बेस्ट फ्रेंड रही, तो 1 के 83 बनी से, 1 के 76 बनी से, 1 के 69 और एकर सबसे कम 63% बनी से। जेकर कारण यह थोड़ा से तनाव में रही से, रोवत गात रही से, अपन भविष्य के लिए ले के चिंतित रही से कि आगे मोर कॉलेज अच्छा कॉलेज मिल ही कि नहीं मिले, आगे में यहाँ बी कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। बोला घर वाला मन समझाए हैं, उनका काउंसलिंग भी करे हैं, फिर भी पता नहीं वो का करी से कि अतक बड़े कदम उठी सब। स्कूल में हमेशा टॉप आवत रही से, हाँ। ये लगातार वो पढ़ाई के अलावा भी लड़का वो का काम वो कर। बहुत अच्छा बहुमुखी प्रतिभा धनी रही से लड़का है। एक तो वो है स्केच आर्टिस्ट रही से, बहुत अच्छा पेंटिंग बनावा है वहाँ। मैं आप ला दिखा हूँ ये उकर कुछ जो है नमूना आप दिखा सकता हो। ये उकर बनाए कलाकारी है अपन स्केच के माध्यम से अपन ये बनाए हैं। बहुत सारा अपन खुद के भी फोटो बनाए, मोर भी फोटो दे हवे। तो ये रही से बहुत अच्छा एथलीट रही से, वहाँ दौड़ में भी बहुत अच्छा रही से। और मैं हम मोर साथ वो 5वीं तक पढ़े, तो 5वीं में जब लॉन्ग जंप के वो तैयारी कराए तो लड़का मन 4 मीटर कूदे मोर स्कूल के, और ये भी लड़की है 4 मीटर कूदे, मतलब लड़का और लड़की बराबरी में रहा एक रहे है। तो एथलीट भी बहुत अच्छा रही से। और घर में सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन से हमारे घर के परिवार के जितका भी गुड़िया मन हवे ओकर मन के लिए अलग अलग डिजाइन के सूट सिलाए, फ्रॉक सिलाए नया नया टाइप से, टॉप भी बना, हाँ टॉप बना ले भाई। मतलब मोबाइल में देखतीस ना कि ऐसे तो खुद से उसने बना, हाँ खुद से बना ले भाई। कुछ भी कार्यक्रम, हाँ कुछ भी कार्यक्रम हुआ थे जैसे बर्थडे वर्थडे, तो ओला वो अलग क्रिएटिविटी से डेकोरेट कर दे भाई। हमन बैलून सजाबो तो ऐसे कुछ भी बांध देबो, और वही बैलून ला वो सजाती ना इतना क्रिएटिविटी से करे ना कि आदमी खुश हो जाते। ऐसे रही सब है, अब वो 63% के चक्कर में सब उकर प्रतिभा के लिए गए भैया। मैं जब आप मन से बात करे बढ़ाते रहो तो मैं खुद सोचा रहूँ कि कैसे बात करूँ,
जेकर घर में खुद एक लड़का जब चल देते तो बात करना बहुत आसानी होते। ये सब घटना तो हो गए, मैं भी भावुक हो जाता हूँ अपन ला देख के। लड़का जब गुजरी से या जब आत्महत्या करी सुसाइड करी सो ओकर पहली और का आप मतलब करना जरूरी लगा रही से आप मतलब का लगी से कि हमार मन से का चूक हुई से या हमार मन से का कमी हुई से हमार का समझा नहीं पा लिखा। मोर ना जो बेटी ना वो शुरू से शांत स्वभाव वाली और पढ़ाकू अपन क्रिएटिविटी माइंड में वो ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करत रहा है और हमेशा शांत रहा है। रिजल्ट के हाँ फैसिलिटी कभी फैशन नहीं करा है वो। हाँ वो शादी भी हवे ना घर में तो लोअर और टी शर्ट पहन के अपन घूमा थे। भाई के साथ तो मुश्किल से सब एकदम ये करे हैं कि शादी में कैमरा वैमरा लगे हैं फोटो वोटो खींचा वो मैं जबरदस्ती करे बुआ मन सब एकदम तब वो तैयार हो ऐसे नहीं करे तब वो जबरदस्ती हमार मन के तैयार हो से और फोटो वोटो भी नहीं हो जाता उतना ही कर तो ना वो शांत स्वभाव के लेकर ही से और शांत स्वभाव के लड़का मन ना जब ऑलरेडी शांत रहते वो रिजल्ट आए के बाद भी वो शांतरी से तो हम अल्लाह पता नहीं चल पाए। और सबसे बड़े गलती ये हो गए कि ओकर मैं ओकर चाचा हूँ और वो बचपन से मोरे साथ ही रहे मोरे निगरानी में रहे ओकर एक्टिविटी हर चीज़ ला देखत रहा लेकिन बदकिस्मती कहान कि मोर ससुराल में शादी रही से तो मैं शादी में ना वही समय ससुराल चले गिरे हूँ और 5-7-8 दिन तक वहीं रुक के साढ़ू वाढ़ू बच्चा बच्चा श्रीमती मन के जानते हैं मायके का अपन एक अलग लगाव रहे थे ओकर चक्कर में तो ओकर अच्छा से ना काउंसलिंग नहीं हो पाई। बीच में आके 14 तारीख के मैं और मोर साढ़ू जी ओकर काउंसलिंग करे रहे हैं कि बेटी वो कागज़ में लिखा है वो 63% के का वैल्यू 12वीं में वो तो प्री के एग्ज़ाम दिलाबे तब तक कोई अगर जॉब में जाना है तो जब तक ते एग्ज़ाम नहीं दिलाबे उम्मीद तो सिलेक्शन नहीं हुई तब तक ते 90% अगर तो राय भी रही बारहवीं तो वो कोई औचित्य नहीं होकर करके समझाएं तो समझ गई इसे ओकर बाद भी का हो वही है समय नहीं दे पाऊँ इसे मुला लगा थे और मोर यहाँ बाकी जो फैमिली वो मन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो उतिक ज़्यादा केयर भी नहीं कर पाई। वही बता तो हमारे 10 पीढ़ी में कोई ऐसे हरकत नहीं करे तो हमला मतलब 0.5% भी वो तरफ हमारे ध्यान नहीं खींच कि हमारी बेटी इसे कर सकते पढ़ाई में बाकी परिवार के लोगों मन के का कुछ स्थिति है। अब पढ़ाई में तो हमारे पिताजी मन हाँ 6 भाई है और 6 में से सिर्फ मोर एक ही चाचा है जो गुजर गए है वो 8वीं पास है बाकी सब अनपढ़ जितका चाची है वो सब अनपढ़। ओकर बाद हमार वाला जो मोर वाला है ते मैं पहली लड़का रहे जो 12वीं पास हुआ और टीचर बने हूँ 12वीं बेस में टीचर बने हूँ कोई सर्विस में नहीं है। ये मोर भाई बैठे ये भी 4थी 5वीं पास अधिकांश लड़का मन है 8वीं 5वीं ले दे के पास हुए हुए पढ़ाई को तक वैल्यू हमारे फैमिली में नहीं है। अब पढ़ाई के वैल्यू नहीं है तो का नंबर के क्या वैल्यू रही और ये पहली लड़का है जो मैं सेलेक्ट पढ़ा रही से 11वीं 12वीं में और फर्स्ट डिवीजन पास हुए तब घर के मन है खुश वो भले खुश नहीं रही से लेकिन हमला खुश रही कि हमारी बेटी पहली बार कोई हमारे गुड़िया है फर्स्ट डिवीजन पास हुए वो भी मैथ से लेके। अब बोला पता नहीं का हुई सब तो समझ से परे घर वाला तरफ से तंग वंकला लेके कोई दबावे नहीं रही घर में खुशी के माहौल रही से फर्स्ट डिवीजन आए के बाद ओकर बावजूद भी ये घटना हो गई। वो जब पढ़ाई करत रही से 4 फ्रेंड रही से ओकर मन के तो वो 4 फ्रेंड में एकर 70% आ रही से बाकी मन के का कुछ परसेंट रही से जो एक गुड़िया रही से ये तो अपन मैथ्स लेके पढ़त रही से बाकी 3 गुड़िया जो है वो बायोलॉजी लेके पढ़त रही से तो एक के 83% ऐसे दूसरा के 76 ऐसे और तीसरा के 69 और एकर सबसे कम 63% आ रही से तो अपन तुलना वो बायोलॉजी वाली से कर दी। वो ये नहीं सोची चे कि गणित था तो ज़्यादा टफ माने जाते हैं उनमें परसेंटेज कम ही रहते हैं प्रैक्टिकल के नंबर भी उनमें नहीं। हाँ तो एक ये जब पूरा मामला ला सुनता तो ऐसे लगते कि जो बच्ची रही से वो बच्ची के 4 ग्रुप एक दुनिया रही से। हाँ और दुनिया में ओला लगी से कि ये सबसे कम हो गए या वो फेल हो गए। हाँ वही अगर पहले ऐसे कभी हुई रही से कि वो ग्रुप में वो कल ज़्यादा नंबर ला है नहीं नहीं वैसे नहीं रही। एक लड़की रही से जो आसे पास रहा है 1% 2% के मतलब रैंक कर अच्छे अच्छे रहा है कुछ पूछना रहा है तो जो लड़का मन भले ज़्यादा नंबर पाए लेकिन ना बहुत सारा चीज़ ले एकरे से पूछा है चित्र वित्र बनवाना है अपन ये बायोलॉजी के तो यही चित्र बना बना के देवे ओकर मन के।
लेकिन फिर भी से मैं ले बना देना इसे तो बनावा आज मोर स्कूल में जितना भी प्रोजेक्ट में सबमिट करे सब मैं बस नाम मोरी से लेकिन सब बनाए। अब तो ये तो घटना हो गई, एक बात आप मन लगा लगते हैं कि जो लड़का मन ना फेल हो जाते या कम परसेंट आ जाते बोर्ड परीक्षा में, वो लड़का मन जब ये प्रकार के सोचते तो वो लड़का मन ला परिजन मन कैसे ट्रीट करे, परिजन मन कैसे होकर मन के साथ है, आप मन ऊपर लोगन मन ला का बोलो, लोगन मन पर का कहो आप मन। अब मोर मान में तो लड़का मन ला सही काउंसलिंग की जरूरत है, अब वो काउंसलिंग सिर्फ माँ बाप और परिवार अच्छा दे सकते, बाहर के काउंसलर कतको अच्छा कर ले भाई, लेकिन जो जे लड़का हमारे पास 18 साल से है ओकर बारे में हम अच्छा से जानते हैं, ओकर काउंसलिंग हम अच्छा से कर सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, बच्चा मन ला समझाना है और ओकर एक्टिविटी ला ध्यान देना है। हमार मन से शायद यही गलती हो कि आज हमार बेटी हमार बीच नहीं है, और वही है अपन बच्चा के ध्यान रखना है, और कागज में अगर पर्सन लिखे तो वो कर लाइफ के आगे भविष्य में का बनी होकर थोड़े निर्धारण करें, प्रयास है कि भविष्य में इसे घटना मत हो करके। लेकिन मोर मान्यता ये है कि आज के जो परिवेश है उसमें हम कतको कुछ कर लें, कतको काउंसलिंग कर लें, ये घटना कभी रुक नहीं सका, ओकर लिए मोर विचार है, हो सकते कई जन असहमत हो जाही, हमला पता चलते पेपर के माध्यम से कि मतलब आप देखो कहाँ जात हमारे कि एकर कैसे बच्चा में दबाव बनते, पेपर में आते 15 दिन पहले के इस तारीख को 10वीं और 12वीं वाले बच्चों का रिजल्ट आएगा, एक प्रेशर हो गया बच्चों में। दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारे है छत्तीसगढ़ के, वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते, मंत्री जी बुलाते, बकायदा मंत्री जी है रिजल्ट ला घोषित करवाते, जारी करवाते, एक प्रेशर मतलब कतका महत्व देवत हन, मतलब कतका बड़े यह कार्य है, विवाह बार से भी बहुत बड़े कार्य है। दूसरा प्रेशर बन गया बच्चन ला, पूरा मीडिया कूद पर थे कि ये बच्चा फर्स्ट है, जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, इतने थर्ड पर्सन आए, तीसरा रिजल्ट बन गए, ठीक है। स्कूल वाले मन जो स्कूल है जहाँ स्कूल है वो ये कहा थे कि मेरे स्कूल तुरंत रैंक बन जाते, गुड़िया नौदय में पढ़ते का रिजल्ट है इसना 75 बच्चा पढ़ते पहला में ये दूसरा में ये पूरा रिजल्ट ग्रुप में आ गए, बच्चों पर प्रेशर बन गए। चौथा माँ बाप के प्रेशर, अरे मोर बच्चा 90% फोटो डाला थे ऊपर रिजल्ट के स्टेटस डाला थे कि देखो मोर लड़का फर्स्ट डिवीजन नहीं से, वाह वाह प्रशंसा, अब सब बोल बधाई देवा थे, बधाई दे के लिए माँ बाप मन ओकर पर एक जो नॉर्मल बच्चे ओकर ऊपर एक प्रेशर बन गए, बनीस कि नहीं बनी चाहिए, बनीस से नहीं। अब ये अतका सारा प्रेशर हवे हर तरह के, अब ये हो गए, अब एकर उपाय का हवे ये समस्या ना। अब देखो यहाँ से एकदम प्रेशर बन गए, हम वो बोर्ड के परीक्षाएं ओकर नंबर ला हम अतका वैल्यूत कावर देवत हन, जब ओकर नंबर से एक चपरासी नहीं बन सका, अगर कोई लड़का के 12वीं में 90% है तो का ये जरूरी है कि वो चपरासी बन जाए सरकारी नौकरी में, ओकर से एम ए बी ए वाला मन चपरासी फॉर्म भरे तो 12वीं के का वैल्यू है। तो हम अतका महत्व हमार समाज है, देश है, शासन है, प्रशासन अतका वैल्यू काबर देवत है 10वीं 12वीं पेपर ला, काबर वैल्यू देवत है, काबर ऐसे नहीं करे कि रिजल्ट के मार्कशीट ला जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है डायरेक्ट स्कूल में भेज दो, कोई बताओ मत, वो तो का रूटीन है ना, एक महीना बाद आवा है भेज दो मार्कशीट, टीचर मन बच्चल वाला है चुपचाप बाहर दो है मार्कशीट ला, कोई बताए जरूरत नहीं है, है ना। और कोई लगते कि कोई बच्चा में ये हवे करके, एक तो ना वो वाहवाही पूरा लिस्ट में लिखते हर स्कूल, आप जाओ अभी 12वीं में हमारे स्कूल का इसका 90%, इसका 95%, दो जन तीन जन के डाले चो, बाकी जो हो तीसरे इस्ते हैं, हो सकते वो 1% मोर कम है से, या पेपर में वो दिन का लक अच्छा नहीं रही से, ओकर से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा रही सोई, ते हा एक नंबर कम पागी सोई, या हो सकते चेक करने वाला मिस्टेक कर दी सोई, ओकर कारण वो अपन जान गंवा दे थे। तो मोर शासन प्रशासन और जतका भी जिम्मेदार है माध्यमिक शिक्षा मंडल रहा है ते मन सबसे अनुरोध है कि आप इला वैल्यू देना बंद करो 10वीं 12वीं मार्कशीट ला, अंक ला, कौन बच्चा कतका आते, कौन मेरिट में आवा थे का हमला बताए जरूरत। और आप मीडिया मन के साथी से भी निवेदन करूँ कि एकर इला ना बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दो, अगर हम एकर वैल्यू नहीं देबो ना तो कोई लड़का सुसाइड नहीं करे, एकर वैल्यू है तब है सुसाइड करत है, मोर मान्यता है, हो सकते है
आप मन असहमत हो सकता, लेकिन मोर ये राय है, विचार है कि ऐसे हमारे शासन प्रशासन और जो भी जिम्मेदार है वो मन करना चाहिए। ये परिजनों का कहना है और परिजन की मांग है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम कहते तो हैं कि 10वीं 12वीं के परिणाम मायने नहीं रखते, लेकिन मायने रखवाने वाले और मायने बनाने वाले तो हम ही हैं, प्रशासन ही है, प्रबंधन ही है, और प्रबंधन फिर बाद में काउंसलिंग की बात करता है, प्रबंधन बाद में जागरूकता की बात करता है, ऐसे में कैसे आएगी देश में जागरूकता और ऐसे कैसे काउंसलिंग होगा। मोर बेटी है काउंसलर, काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर दे है शासन की तरफ से, कोई बच्चा डिप्रेस हो तो मैं कर लिए काउंसलर रखे, एक दिन इच काउंसलर है। मोर बेटी मोर साथ 18 साल से मोर साथ है, जब वो अपन वो डिप्रेशन ला मोला नहीं बताए तो टोल फ्री नंबर में फ़ोन करके बताई जी, आप सोचो ना टोल फ्री, ये उका सहेली जैसे है, दोनों बहन है इला वो नहीं बताई छे, तब फ़ोन करके टोल फ्री नंबर में बताई मोल जैसे मरे के मौका ऐसे ऐसे लागा थे करके, आप सोच सकता ना। तो शासन सिर्फ खाना पूर्ति करा थे, वास्तविक जड़ में तो वह हमला करना नहीं चाहते, तो एकल ये पूरा समाज ला पूरा शासन प्रशासन सब ला बदलने लगी, हमारे मन के मानसिकता भी बदलने लगी, तभी बच्चा उनके आत्महत्या रुक सकते, इसे मोर मानना है। ये सब घटना जो है तुलसी गांव, तुलसी सकरी गांव ना, सकरी गांव विधानसभा के पास सकरी गांव है, यहाँ हो है, यहाँ की जो बच्ची है वो 12वीं पढ़त रही से 12वीं में फर्स्ट डिवीजन ऐसे, और पूरा घर में पहली बार मैथमेटिक सब्जेक्ट ले के पढ़ने वाली बच्ची रही से, घर में उत्साह के माहौल रही से, लेकिन वो बच्ची के एक छोटे से दुनिया बन गई रही से, चार ग्रुप जो दुनिया रही से ऊपर, जब वो लगीस कि वो दुनिया में वो फैल हो गई, उकर बाद एक बड़े कदम उठा लगीस, लेकिन उकर बड़े कदम सुसाइड करे के बाद में परिवार के का साथ का बीत थे, परिवार वाला उनके साथ का होते, माँ बाप के साथ का होते, वो जब दर्द ले देखूँ तब आप मतलब समझ आई। लेकिन ये वीडियो बनाए के मकसद हमारे ये है कि आने वाला समय में ऐसे और जो बच्चा है या और जो बालक है जो उन परीक्षा पास करे या परीक्षा में फेल हो गए कम परसेंट आगे, वो मन जब ऐसे सोचते तो ये वीडियो जरूर देखा है, मुझे लगते कि ये वीडियो देखे बाद समझ आए कि ऐसे घटना ऐसे बड़े कदम कोई लड़का दोबारा नहीं उठाई।